जय हिंद, जय भारत साथियों। मेरा नाम है अजीत फौजी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोशाम भिवानी। साथियों, खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी भर्ती निकली है और ये जो भर्ती होएगी दिल्ली के राजरीफ सेंटर में होएगी। दिल्ली के अंदर जो धोलाकुआ के पास में राजरीफ सेंटर है वहाँ पर ये भर्ती की जाएगी। खिलाड़ियों की भर्ती है ये। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर प्रकार की भर्ती की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो साथियों, आज बात करेंगे भर्ती के बारे में पूरी डिटेल से। तो अब बात करते हैं साथियों भर्ती के बारे में। ये स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती है। जो भी आर्मी के अंदर जो भी बच्चे गेम बेस पे भर्ती होना चाहते हैं, जो गेम करते हैं, जिसकी की उम्र 17.5 से 23 साल है, उन बच्चों के लिए ये भर्ती है। तो जो भी भाई खिलाड़ी हैं और जो भर्ती देखना चाहते हैं खेल कोटा से, जिनके पास शर्त है कि खेल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और सर्टिफिकेट कम से कम स्टेट लेवल या नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का हो, तभी वो वहाँ पर ट्रायल दे सकते हैं। अब बात करते हैं लेटर के बारे में। ये दिल्ली से निकला है राजरीफ सेंटर से लेटर 14 जुलाई 2022 को, और ये सभी जो भी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं, उसके बाद जितनी भी रेजिमेंट हैं, हेडक्वार्टर एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड हैं, सभी को और जो कोच वगैरह हैं खिलाड़ी सबको ये लेटर जारी किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को यहाँ पर ट्रायल देने के लिए भेजो। ठीक है, जो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो यहाँ पर ये स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती है। और ये जो भर्ती है ये ट्रेनिंग ईयर 22-23 है, 2022-23 की भर्ती है, स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती है। जो भी भाई ओपन है, ये ओपन भर्ती ही है। जो इसके पास भी खेल का सर्टिफिकेट है, 2 साल से पुराना नहीं हो खेल का सर्टिफिकेट, पोजीशन हो, ठीक है, और वो यहाँ पर भर्ती देख सकता है। कम से कम 10वीं पास हो, 17.5 से 23 साल उम्र के बीच में हो, तो यहाँ पर जा सकता है भर्ती के लिए, स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती देखने के लिए, और आर्मी में भर्ती हो सकता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ पूरा, जो स्पोर्ट्समैन के लिए आर्मी के अंदर, और ये सभी सोल्जर जीडी अग्निवीर के तहत भर्ती होंगे। इसमें एक लेटर एक उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर घूम रहा था साथियों कि इसके अंदर पक्की भर्ती की जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये सभी जो अग्निवीर जीडी है, अग्निपथ स्कीम के तहत ही अग्निवीर जीडी भर्ती होंगे ये स्पोर्ट्समैन। अभी रिलेशन के बच्चों के लिए कोई भी भर्ती नहीं निकाली है सेंटर ने, जैसे ही अभी सिर्फ स्पोर्ट्स की ट्रायल ली जाएंगी। अभी जो ये ट्रायल 26 जुलाई से शुरू हो रही है साथियों, तो 26 जुलाई से ट्रायल ली जाएंगी। जो भी खिलाड़ी ट्रायल देना चाहते हैं वहाँ पर चले जाएं दिल्ली में राजरीफ सेंटर में और वहाँ पर ट्रायल दे सकते हैं। उसके बाद जब भी रिलेशन के बच्चों की भर्ती निकलेगी, तभी उनका फिजिकल उनके साथ ही, फिजिकल मेडिकल और जो आगे की कार्रवाई तभी उनके साथ होगी। अभी सिर्फ ट्रायल ली जा रही हैं। जो भी लड़के ट्रायल में फिट हो जाएंगे उनको फिर रिलेशन के बच्चों के साथ में बुलाया जाएगा। तो अभी रिलेशन की भर्ती डिक्लेयर नहीं की है साथियों। तो अब बात करते हैं इस लेटर के बारे में। इसमें बताया गया है कि यहाँ पर जो एथलेटिक्स और शूटिंग की ट्रायल है वो सुबह शुरू हो जाएंगी, और ये 26 जुलाई 2022 को सुबह से शुरू हो जाएंगी। तो जो भी लड़के एथलेटिक्स के और शूटिंग के हैं यहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद अगले दिन जो है 27 जुलाई 2022 को वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लड़के यहाँ पर ट्रायल दे सकते हैं। तो इन सभी को यही है, यहाँ पर इन्हीं बच्चों को बुलाया ट्रायल के लिए, तो ये जो गेम करते हैं लड़के वो यहाँ पर ट्रायल दे सकते हैं जा करके। उसके बाद बताया गया है कि जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ट्रायल में वो अपने ये डॉक्यूमेंट साथ लेकर आएँ। इसमें डॉक्यूमेंट भी बता रखे हैं साथियों, अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। तो आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट और फोटोकॉपी, ये 2 सेट, सभी सर्टिफिकेट के 2 सेट कम से कम तैयार हों आपके। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, अब एक तो एजुकेशन सर्टिफिकेट, जिसके पास भी 10वीं है, 12वीं है, कम से कम 10वीं, और जो अगर 12वीं है, बीए है, जो भी आगे का है, वो सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल और उनकी 2-2 कॉपी कम से कम। उसके बाद लेटेस्ट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये 2 साल से पुराना नहीं हो, जो खेल का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए लेटेस्ट। उसके बाद डोमिसाइल आपका रिहायशी मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, ये होना चाहिए लेटेस्ट। उसके बाद जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट। ये करैक्टर 2 प्रकार से बनते हैं साथियों, एक सरपंच से, ग्राम पंचायत वगैरह से, और एक बनेगा आपका स्कूल के प्रिंसिपल जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से, और एक पुलिस रिपोर्ट अलग होती है इसके अलावा। एक अनमैरिड सर्टिफिकेट,
ये अनमेरिड सर्टिफिकेट जो है ये बनेगा तहसील के अंदर, यहाँ पर ये कि ये लड़का है विवाहित, इस प्रकार से आधार कार्ड आपका ओरिजिनल आधार कार्ड हो, और जो भी लड़के यहाँ पर भर्ती में जा रहे हैं वो अपनी कम से कम 10 कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हों और 2 साल से पुराना कोई भी सर्टिफिकेट नहीं हो। तो जिन लड़कों के पास भी ये सभी डॉक्यूमेंट हैं और उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट और मांगे गए हैं जो लेटेस्ट एफिडेविट वगैरह, वो अपने बनवा लें साथ में, ठीक है। वो अभी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वो बाद में जब आप फिजिकल देने जाओगे तब आपको चाहिएंगे, अभी फ़िलहाल ये डॉक्यूमेंट हैं। तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर के और दिल्ली में चले जाएं, राजरीफ सेंटर है धोला कुआ के पास, वहाँ पर जाकर अपनी गेम की ट्रायल दें। आज 24 जुलाई हो चुकी है, कल का दिन आपका बाकी है, अपने डॉक्यूमेंट लें और 26 तारीख से ट्रायल शुरू हैं, 26 और 27 की ट्रायल है दिल्ली में। और रिलेशन के बच्चों की अभी भर्ती डिक्लेयर नहीं की है, जैसे ही करेंगे उनके साथ इन बच्चों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होएगा आगे जाके, तो अभी सिर्फ ट्रायल की जा रही है खेल के बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे जा रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप भी किसी प्रकार की भर्ती की जानकारी या तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम, ये हरियाणा के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट के तोसाम तहसील के अंदर ये अकेडमी है। आप हमें गूगल मैप पर भी सर्च कर सकते हैं ओम स्पोर्ट्स अकेडमी लिखकर, हमारा यूट्यूब के ऊपर भी चैनल है ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम के नाम से, फेसबुक पर भी हमारा अकाउंट है ओम स्पोर्ट्स अकेडमी, इंस्टाग्राम पर भी हमारा ओम स्पोर्ट्स अकेडमी के नाम से हमारा अकाउंट है, टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर 7056-390-909. धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।